नमस्कार, ट्यूबलाइट कॉर्पोरेशन में आपका स्वागत है। आशा करता हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ में रहेंगे। आज का एक टॉपिक है यूक्रेन का, जो कंपनी रजिस्ट्रेशन के बारे में आपको बता रहा हूँ। पहले मैंने एक वीडियो बना चुका हूँ, हाउ टू स्टार्ट योर बिजनेस इन यूक्रेन। सो आपने पहले वाले वीडियो आपने देखे होंगे, यूक्रेन में कैसे बिजनेस स्टार्ट करोगे। मैं पहले वाले वीडियो बना चुका हूँ यूक्रेन में कैसे बिजनेस स्टार्ट करोगे और कंपनी फॉर्मेशन, कितने टाइप का कंपनी फॉर्मेशन होता है और उसका कितना प्राइस खर्चा आता है। तो अभी आज थोड़े दिन में न्यूज आया है इन फ्रॉम यूक्रेन से न्यूज आया है। वहाँ का जो गवर्नमेंट है, यूक्रेनियन गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट जो है और फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट FDI को काफ़ी बढ़ावा दे रहा है और यूक्रेनियन गवर्नमेंट चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा फॉरेनर्स आके उनका कंट्री में इन्वेस्ट करें। इसीलिए उनका जो कंट्री में जो उन कंपनी फॉर्मेशन यानी कंपनी रजिस्ट्रेशन का जो कॉस्ट है जीरो कर दिया है। यानी कंपनी, अगर आप यूक्रेन में कंपनी बनाने को जाओगे तो गवर्नमेंट का जो फीस है वो जीरो रहेगा और उसमें जो शेयर कैपिटल रहेगा 1 यूरो रहेगा और उसमें स्टाम्प का ड्यूटी, बाकी जो गवर्नमेंट का फीस मिला के करीब $300 तक खर्चा आता है यूक्रेन में। ठीक है, $300 तक अभी खर्चा आता है, पहले तो महंगा था, अभी $300 तक खर्चा आता है। गवर्नमेंट का फीस जीरो है लेकिन स्टाम्प ड्यूटी है, बाकी सारे कुछ पेपर वर्क है गवर्नमेंट का, तो 300 गवर्नमेंट का कॉस्ट आता है। बाकी लॉयर का जो फीस है, लॉयर का फीस को लगा के 3 साल का जो वीज़ा का आपको कंपनी फॉर्मेशन, 3 LLC कंपनी ट्रेड लाइसेंस निकल जाएगा, LLC कंपनी बन जाएगा। LLC कंपनी मतलब प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बन जाएगी और आपका 3 साल का वीज़ा भी हो जाएगा। उसमें खर्चा आता है $2,500 लॉयर का फीस लगा के, लॉयर का फीस, गवर्नमेंट का फीस, ऑल स्टाम्प ड्यूटी, ऑल गवर्नमेंट फीस और आपका 3 साल का वीज़ा का फीस, टोटल मिला के 2,500 3 साल का वीज़ा का होता है। पहला 4,000 हमने बताया था लेकिन अभी प्राइस रिड्यूस हुआ है, 2,500 3 साल का वीज़ा का है और 1 साल का वीज़ा जो है रेसिडेंसी वीज़ा 2,000 का, $2,000 का है। ठीक है, तो अगर आपको 3 साल का वीज़ा एक ही साथ चाहिए, ये रेसिडेंसी परमिट मिलेगा, टेम्पररी TRC, टेम्पररी रेसिडेंसी कार्ड, TRP, मतलब ये टेम्पररी रेसिडेंसी परमिट भी कह सकते हैं, TRC भी कह सकते हैं, टेम्पररी रेसिडेंसी कार्ड भी कह सकते हैं। तो ये होता है आपका 3 साल का जो वीज़ा है ट्रेड लाइसेंस के साथ, तो आपका $2,500 लगेगा, लेकिन आपका जो लाइसेंस है 1 साल का ही रहेगा और हर 1 साल में आपको लाइसेंस को रिन्यू करना पड़ेगा। ठीक है, और आपका जो अगर 1 साल का वीज़ा चाहिए तो आपको $2,000 लगेगा 1 साल का लाइसेंस के साथ और आगे आपको ईयरली लाइसेंस को आप रिन्यू करना पड़ेगा। तो $2,000 और $2,500 आपको बता दिया और इसमें आपको आपका फैमिली मेम्बर्स को लेके आप स्पॉन्सर करके यूक्रेन में बिजनेस कर सकते हैं और वहाँ का प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं। और अभी अगस्त 1 से रूल आ रहा है कि फॉरेनर्स, कोई भी फॉरेनर्स अगर लीगली यूक्रेन में रहते हैं तो उनका जो एग्रीकल्चर जमीन, वहाँ का जो खेती होता है, एग्रीकल्चरल जमीन जो है खरीद सकता है। पहले बताया था कि अगर आपके पास रेसिडेंसी PR परमानेंट रेसिडेंसी नहीं है या सिटीजनशिप नहीं है यूक्रेन का, तो आप वहाँ का एग्रीकल्चरल लैंड खरीदने सकते हो, आप लीज ले सकते हो। लेकिन 1 अगस्त 2021 में, नेक्स्ट मंथ 1 तारीख से नया रूल आ रहा है, नया लॉ आ रहा है कि फॉरेनर्स अगर TRC में है यानी टेम्पररी रेसिडेंसी में है या PR में है या सिटीजनशिप में कोई भी है, फॉरेनर्स आके एग्रीकल्चरल लैंड खरीद सकता है, लीज ले सकता है या कमर्शियल प्रॉपर्टी या रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी खरीद सकता है। तो नया रूल आया है और प्राइस भी रिड्यूस हुआ है और अगर आपको आप इंटरेस्टेड है यूक्रेन का बिजनेस रजिस्ट्रेशन में बिजनेस करने के लिए इन यूक्रेन, तो आप हमें कॉन्टैक्ट करिएगा क्योंकि यूक्रेन अभी अच्छा आगे बढ़ रहा है। वेस्टर्न यूरोप में ऑलरेडी यूरोपियन यूनियन का साथ आगे बढ़ रहा है और यूरोपियन यूनियन में आने वाले 2-3 साल में, 5 साल के अंदर EU में वो ज्वाइन होने वाला है और NATO में भी ज्वाइन होने वाला है। ठीक है, तो ये अच्छा चांस है यूक्रेन में, अगर आपका खुद का बिजनेस शुरू करोगे अच्छा चांस है, आप यूक्रेन के साथ साथ वेस्टर्न और ईस्टर्न यूरोपियन कंट्री के साथ बिजनेस कर सकते हो। तो ये आपको शॉर्ट वीडियो बता दिया आपको, अगर आप इंटरेस्टेड है यूक्रेन में बिजनेस करने के लिए आप हमें कॉन्टैक्ट करिएगा ईमेल के जरिए, हम आपको बता देंगे। तो प्राइस बता दिया, 3 साल का वीज़ा, रेसिडेंसी वीज़ा प्लस ट्रेड लाइसेंस के साथ $2,500 और 1 साल का वीज़ा अगर लोगे तो 1 साल का वीज़ा $2,000 के साथ आपको लाइसेंस के साथ मिलेगा।
कोई भी प्रकार लाइसेंस आप कोई भी प्रकार बिजनेस आप कर सकते हैं। मैंने पहले वीडियो में ऑलरेडी बता चुका हूँ किस किस टाइप का बिजनेस आप कर पाओगे, ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ। तो आज ये शॉर्ट वीडियो आपको बता दिया, ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो है। यूक्रेन में आप जमीन खरीद सकते हो, यूक्रेन में आप कोई भी बिजनेस कर सकते हो, प्राइस रिड्यूस हुआ है और वहाँ का गवर्नमेंट चाहते हैं ज्यादा से ज्यादा फॉरेनर्स आके यूक्रेन में बिजनेस करे, यूक्रेन का इकोनॉमी को आगे बढ़ाए और वहाँ का जॉब क्रिएट करे। और इंडियन नेशनलिटी को, इंडियन नेशनल को वो ज्यादा चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा इंडियन रियल बिजनेसमैन आके यूक्रेन में बिजनेस करे। क्योंकि मैंने काफी हमारा पहले वीडियो बना चुका हूँ हमारा जॉब साइट में, जॉब चैनल में, बहुत सारे इंडियन लोगों को यूक्रेन एयरपोर्ट से डिपोर्ट कर रहा है, लेकिन वो जेन्युइन ट्रैवलर्स नहीं थे, वो जेन्युइन बिजनेसमैन नहीं थे, इसलिए वो चेक करके डिपोर्ट करते हैं। लेकिन जो अगर आप जेन्युइन इन्वेस्टर हो, बिजनेसमैन हो, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा यूक्रेन में। और यूक्रेन में आप बिजनेस करके आपका फैमिली को स्पॉन्सर करके आप कहीं भी बिजनेस करके वहाँ का जमीन खरीद के, वहाँ का प्रॉपर्टीज खरीद के वहाँ पर रह सकते हैं। तो अगर आप यूक्रेन में इन्वेस्ट करना चाहते हो, एक्सपोर्ट इंपोर्ट या कोई भी बिजनेस करना चाहते हो, तो आप यूक्रेन में कोई भी लॉ फर्म को कॉन्टैक्ट करिएगा, गूगल में सर्च करिए लॉ फर्म्स ऑफ यूक्रेन, काफ़ी लॉ फर्म्स आपको रिप्लाई करेंगे, नहीं तो आप हमें कॉन्टैक्ट करिए, हम आपको मदद करेंगे। आशा करता हूँ हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि आने वाले काफ़ी सारे वीडियोज़ का इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे दूँ। तब तक के लिए मैं विदा लेता हूँ, थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।